Good morning, Donites. Today is 26th of November 2021, Friday, and our Constitution Day. It is also known as National Law Day. On this day, we adopted our Constitution in the year 1949, and it came into effect on 26th January 1950. This day is celebrated as Republic Day every year with great enthusiasm. Let's begin the assembly. Itni shakti hame de na data, man ka vishwas kamzor hona. Itni shakti hame de na data. मन का विश्वास कमजोर होना हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर भावना मन में बदले की होना चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर Today I am going to share some interesting facts about Indian Constitution. The Constitution of India is the supreme law of India. It is drafted by the Constituent Assembly. The original Constitution of India was handwritten by Prem Bihari Narayan in the flowing Italian language with beautiful calligraphy. The Constitution of India was finally completed on 26 November 1949, but it came into force on 26 January 1950. The original constitution was handwritten in Hindi as well as in English language. The Constitution of India is the longest constitution of any sovereign country in the world. Our constituent makers took inspiration from various other constitutions. That's why Indian constitution is known as bag of borrowing. Thank you and have a nice time. सुप्रभात प्रिय छात्रों भीमराव अंबेडकर जी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी लोकप्रिय है वह भारतीय बहुज्ञ विधिवेत्ता अर्थशास्त्री राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था श्रमिकों किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूं भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहेब तुम्हें प्रणाम है भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहेब तुम्हें प्रणाम है भारत की पावन गाथा में अमर तुम्हारा नाम है भारत की पावन गाथा में अमर तुम्हारा नाम है 1881 के 14 अप्रैल को जन्म लियो 1881 के 14 अप्रैल को जन्म लियो माह दिसंबर 1956 को देश से तुम विदा लियो
ऐसे कर्मवीर नायक को कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसे कर्मवीर नायक को कोटि कोटि प्रणाम है। जय हिंद जय भारत का करते सब गुणगान है। दलित समाज सुधारक को बाबा साहेब कहते हैं। दलित समाज सुधारक को बाबा साहेब कहते हैं। जलते दीपक बनकर सदा हमारे दिल में रहते हैं। जलते दीपक बनकर सदा हमारे दिल में रहते हैं। देश के लिए जिन्होंने विलास को ठुकराया था। देश के लिए जिन्होंने विलास को ठुकराया था। गिरे हुए को जिन्होंने स्वाभिमान सिखाया था। जिसने हम सबको तूफानों से टकराना सिखाया था। जिसने हम सबको तूफानों से टकराना सिखाया था। देश का वो था अनमोल दीपक जो बाबा साहेब कहलाया था। पैदा कब मजहब होते हैं वो तो माने जाते हैं। पैदा कब मजहब होते हैं वो तो माने जाते हैं। धर्म कौन सा हम मानेंगे दिल के भाव बताते हैं। धर्म जाति रोड़ेगर बनते। धर्म जाति रोड़ेगर बनते। हमको उन्हें हटाना है। लिखी हमेशा किस्मत जाति श्रम से ये समझाना है। अपना पथ खुद चुनकर लोगों। अपना पथ खुद चुनकर लोगों। चले उसी पर इठलाएं बाबा साहेब के कदमों का। करे अनुसरण और सुख पाएं। बाबा साहेब के कदमों का करे अनुसरण और सुख पाएं। धन्यवाद। My dear students, do you know that our constitution is a living document? You may be surprised how a book can be a living thing. Now, living here means our constitution is open to changes or amendments. Secondly, our constitution is the world's lengthiest constitution. So, it is great. So, my dear student, we should respect our constitution. As a true citizen, as a law-abiding citizen, we should follow all the rules and regulations laid down by our constitution. And then we are going to become a developing or a good citizen. So, say along with me, Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind!